फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत, ठीक है, वरना ये चैप्टर नंबर अपना 6 होता था, विद्युत परिपथ, ठीक है। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। अब किरचॉफ के जो नियम है ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो होता है अपना धारा का नियम या संधि का नियम, ठीक है, और सेकंड जो है वो होता है अपना वोल्टता नियम या लूप का नियम, ठीक है। लूप का मतलब होता है बंद पथ, सिंपल भाषा में बंद पथ। अब बात करते हैं कि किरचॉफ का नियम कहां यूज होता है। पहली चीज, किरचॉफ का नियम वैज्ञानिक किरचॉफ ने डेवलप क्यों किया, इसका आविष्कार किया ही क्यों, जरूरत कहां पड़ी कि किरचॉफ का नियम है वो सर्किट के अंदर यूज किया गया, किरचॉफ ने इस नियम को बनाया, ठीक है। देखो, फर्स्ट जो बात है, बार बार एक वर्ड यूज होता है परिपथ, कि परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, परिपथ क्या होता है। सीधी सी बात है, परिपथ का मतलब होता है धारा का पथ या मार्ग, उसको बोलते हैं परिपथ। लेकिन यह भी खुला और बंद दो प्रकार का हो सकता है, खुला व बंद, जरूरी नहीं है कि यह बंद परिपथ हो, खुला भी हो। धारा का पथ या मार्ग परिपथ कहलाता है, या दूसरी लैंग्वेज इसकी लिखें, दूसरी परिभाषा इसकी लिखें, दूसरी भाषा में इसको व्यक्त करें तो ऐसा बंद पथ या वह बंद पथ, ठीक है, जिसमें बैटरी, प्रतिरोध, संधारित्र, ठीक है, या अन्य कोई अवयव या अन्य कोई विद्युत अवयव संयोजित हो, ऐसा बंद पथ जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र, ठीक है, प्रेरकत्व, बैटरी, कुंजी, कुंजी का मतलब होता है स्विच, ठीक है, आदि जुड़े हुए हो, परिपथ कहलाता है, परिपथ कहलाता है। प्रतिरोध सीधी सी बात है जो करंट को रोकता है, बस धारा को जो रोकता है वो प्रतिरोध होता है, ठीक है। संधारित्र जो आवेश को संग्रहित करता है, जो आवेश को अपने ऊपर लेता है, जो आवेश को खा जाता है और खाने के बाद डकार भी नहीं लेता, वो होता है संधारित्र, जो आवेश को अपने अंदर स्टोर करता है। हम बोलते हैं ना घर में स्टोर रूम, स्टोर रूम का मतलब जहां पे अपने घर का सारा सामान स्टोर होता है वो होता है आपका स्टोर रूम। यहाँ पे जो चार्ज को स्टोर करता है, जो आवेश को संग्रहित करता है वो होता है आपका संधारित्र। जैसे पंखे का सेल, पंखे वाला जो सेल होता है उसी को संधारित्र बोलते हैं, कंडेंसर या कैपेसिटर, ओके। प्रतिरोध जो धारा को रोकता है। अब किरचॉफ का जो नियम है उससे पहले ये बातें पढ़नी जरूरी है, वरना इसमें आगे आप घुस नहीं सकते किरचॉफ के नियम में। अब देखो, एक नाम आता है अपना ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम। ओम ने क्या कहा, जॉर्ज साइमन ओम, इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इसने क्या कहा, इसने सिंपल सी बात बोली कि यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं, ठीक है, इसके बाद में किरचॉफ का नियम बताऊंगा, भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं या नियत हैं, या भौतिक जो घटनाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं जो हैं, भौतिक स्थितियां जो हैं वो नियत रहे, जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, भौतिक अवस्थाओं का मतलब ताप, लंबाई और क्षेत्रफल नियत रहे, तो उस चालक या तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। उस तार या चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह टाएंगे तो अपने पास आएगा एक R, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। ये एक नियतांक था जिसको आपने प्रतिरोध बोला। अब R की जगह आप K भी लिख सकते हो, S भी लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो, स्मॉल r भी लिख सकते हो, लेकिन फिजिक्स के अंदर 12th क्लास में हर एक सिंबल का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे K को हम लोग कॉन्स्टेंट मानते हैं, ठीक है, के को आर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, एस जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, स्मॉल आर है, ये आंतरिक प्रतिरोध मानते हैं, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, इसलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आर ही लिखा जाए, ठीक है। चलो, ताप लंबाई क्षेत्रफल भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे, बात को समझना, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे या नियत रहे, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि तार का जो ताप है, चालक का जो ताप है, वो नियत होना चाहिए, ताप ज्यादा या अधिक नहीं होना चाहिए। अगर तार जल गया, ठीक है, तार जल गया धारा प्रवाह के कारण, ओम का नियम फैल, उसकी लंबाई में कोई चेंजमेंट हो गया, ओम का नियम फैल, उसके क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये आपका वायर है, तो ये जो एरिया है साइड का, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसमें कोई चेंजमेंट हो गया, धारा प्रवाह के कारण तार पतला हो गया, मोटा हो गया, ठीक है, उस स्थिति में ओम का नियम फैल। तो भौतिक अवस्थाएं स्थिर या नियत रहने का मतलब यह होता है कि इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर इनके साथ कोई छेड़खानी हो गई, दैट मीन्स ओम स्लो है, वो फैल है, ओम स्लो वहां पे काम नहीं करता, ये ओम के नियम की शर्त है, ठीक है। अब जो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, सामान्य या सरल विद्युत परिपथ, उनमें ओम का नियम काम में आता है। वहां पे आप श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन का यूज करके और ओम के नियम को, ओम के नियम की सहायता से प्रतिरोध, धारा या विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन जटिल विद्युत परिपथ होते हैं, जटिल का मतलब कि जहां पे ओम के नियम की सहायता से भी आप प्रतिरोध, धारा और विभवांतर का मान ज्ञात नहीं कर सकते। कितने भी जतन करो, ओम का नियम है वो तो आप लगा दोगे, लेकिन उस सर्किट को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट या जटिल विद्युत परिपथ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए आप किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हो। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जहां पे ओम जी फेल हो जाता है वहां पे किरचॉफ शुरू होता है, ओम जहां पे फेल वहां पे किरचॉफ शुरू। अब देखो, फर्स्ट नियम की बात करते हैं, किरचॉफ का धारा नियम, ध्यान से देखना, धारा नियम मतलब अपने को इसमें सिर्फ धारा की बात करनी है। इसका दूसरा नाम होता है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको शॉर्टकट में केसीएल बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में केवीएल बोलते हैं। तो आज बात करेंगे सिर्फ धारा नियम की या संधि नियम की। देखो, किरचॉफ का धारा नियम या संधि नियम जो है, इसमें आपको खाली एक ही बात याद रखनी है। गांव में कई बार बोलते हैं कि कोई आना जाने नहीं है, भाई साहब बोलते हैं ना कि इसमें कोई आना जानी नहीं है, मतलब कोई आए या जाए उससे कोई मतलब नहीं है आपको, कोई आना जानी नहीं है, मतलब धारा का जो नियम है उसमें भी कोई आना जानी नहीं है। कोई आना जानी नहीं है मतलब जितनी धारा आएगी उतनी धारा वापस जाएगी, ये ट्रिक है। बस आने वाली टोटल धारा इक्वल टू जाने वाली टोटल धारा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, किरचॉफ का धारा नियम कंप्लीट। आई समझ में? कंप्लीट नहीं हुआ, चलो देखो, किरचॉफ के धारा नियम या संधि नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योगफल इक्वल टू जाने वाला धाराओं का योगफल, तो आने वाली कुल धाराएं संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। समझो बात को, संधि का मतलब होता है जहां पे बहुत सारी ट्रेन आपस में आके मिलती है, बहुत सारी विद्युत धाराएं आपस में आके मिलती हैं, अर्थात सीकर जंक्शन, चूरू जंक्शन, फतेहपुर जंक्शन, लोहारू जंक्शन, जंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संधि, मतलब जहां पे विभिन्न स्टेशन से आके ट्रेन मिलती है, यहां पे क्या मिलेगी? धारा। बीच में मैंने संधि बिंदु मान लिया पी, तो संधि बिंदु पी पर बहुत सारी धाराएं आके मिल रही हैं, ठीक है। सर, ये धाराएं कहां से आती है? बैटरी से आती है भाई साहब, ठीक है ना, ये धाराएं
बैटरी से आती है, ठीक है, ये खुला सर्किट है, इसको खुला सर्किट बोलते हैं। संधि धारा नियम जो है किरचॉफ का, वो बंद पथ पर या बंद लूप पर लागू नहीं होता, सिर्फ खुले पर लागू होता है, इसीलिए इसको यहां पे इस तरीके से बंद और खुले दोनों पे लागू होता है, ठीक है ना। ये नियम जो है ये बंद और खुले दोनों पर लागू होता है, और वोल्ट का नियम है वो सिर्फ बंद पर लागू होता है, खुले पर लागू नहीं होता, ये दोनों पर लागू होता है, ठीक है, खुले और बंद परिपथ पर। चलो समझो इसको, संधि बिंदु P पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहली भाषा इसकी, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार या संधि नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु P पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है, ये किताब की लैंग्वेज है, ठीक है। इस नियमानुसार किसी संधि बिंदु P पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, ठीक है। दूसरी इसकी जो भाषा है वो क्या है कि बीजगणितीय योग शून्य हो गया, इसका मतलब कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं होंगी पॉजिटिव और दूर जाने वाली धाराएं हो जाएंगी नेगेटिव। मतलब आने वाली धारा तो आपको प्लस में लेनी है और दूर जाने वाली धाराएं आपको माइनस में लेनी है, ठीक है। अभी देखो इस पे पी पे कौन कौन सी धाराएं आ रही है, मैंने क्या समझाया, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, आने वाली इज इक्वल टू जाने वाली, अर्थात कोई आना जानी नहीं है, ठीक है। चलो पी पे देखो कौन कौन सी धारा आ रही है, एक तो आ रही है आई वन, बिल्कुल आ रही है सर, प्लस एक कौन सी आ रही है आई टू, बिल्कुल आ रही है, एक आ रही है आई थ्री, बिल्कुल, और कौन सी आ रही है, एक आ रही है आई फाइव आ रही है, तो प्लस आई फाइव। ये धाराएं क्या हो गई अपनी, आई इनकमिंग, आने वाली कुल धारा इज इक्वल टू दूर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, दूर जाने वाला ये एक तो आई फोर और एक आई सिक्स, तो इज इक्वल टू आई फोर प्लस आई सिक्स, ये हो जाएगा अपना आई आउट, ठीक है, या दूर जाने वाली धाराएं, तो आई इन इज इक्वल टू आई आउट। आगे बात समझ में, अब बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये देखो कैसे करेंगे, पक्षांतरण करके इनको इधर ले आएंगे, इनको इधर लेके आएंगे तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव माइनस, क्यों इधर आएंगे तो माइनस में होंगे ना, माइनस आई सिक्स और माइनस आई फोर, ठीक है, आई फोर या आई सिक्स लिख दो एक ही बात है, ये तो पता ही आपको, पहले पीछे से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ आई फोर लिख दो और यहाँ पे आई सिक्स लिख दो, इज इक्वल टू जीरो, ये है बीजगणितीय योग सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, किरचॉफ का संधि नियम कंप्लीट। अब देखो विशेष बात, धारा चल रही है मतलब आवेश चल रहा है, क्यों धारा चल रही है मतलब आवेश, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, जितना आवेश जाएगा उतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब जितना आवेश प्रवाहित हुआ अंदर आया उतना ही आवेश बाहर निकल गया, कहने के अनुसार आने वाली कुल धारा इज इक्वल टू जाने वाली कुल धारा, तो जितना प्रवेश हुआ आवेश उतना ही बाहर निकल गया, इसका मतलब आवेश है वो यहां पे कंजर्वेटिव है, संरक्षित है, आवेश क्या है संरक्षित, इसलिए इस नियम का नाम हो गया आवेश संरक्षण का नियम। तीन नाम हो गए इसके, प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि का नियम या आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, कि किरचॉफ है उसका प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है, रीजन इसका ये, जितना आवेश आएगा जितनी धारा आएगी उतनी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है, पहली ट्रिक इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा, ठीक है। तो ये कोई सर्किट है मेरे पास, ये कोई सर्किट है एक खुला सर्किट, ठीक है, इस पे 2 एम्पियर 5 एम्पियर की धारा आ रही है और 2 एम्पियर आई और 2 एम्पियर की धारा दूर जा रही है, ये संधि बिंदु पी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा, बस कितनी धारा आ रही है 5 प्लस और कौन सी आ रही है 2 इज इक्वल टू, जा कौन सी रही है एक तो 2 जा रही है प्लस एक आई जा रही है प्लस एक 2 जा रही है, ठीक है, तो 5 2 7 इज इक्वल टू 4 प्लस आई और आई इज इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 4 और आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर, अकेला 3 नहीं 3 एम्पियर,
अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर वो कट जाएंगे, इस तरीके से लागू होता है। अब अगर डबल संधि हो, दो संधि हो तो दोनों पे किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तीन संधि हो तो तीनों पे लगाएंगे, चार हो तो चारों पे लगाएंगे। ट्रिक एक याद रखनी है, कुल आने वाली धारा इज इक्वल टू कुल जाने वाली धारा, जिस धारा का मान अपने को दिया हुआ नहीं है उस धारा का मान आपको निकालना है, ठीक है। यह है किरचॉफ का संधि नियम। ओके, तो जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उनके अंदर ओम का नियम काम नहीं करता, वहां पे किरचॉफ का नियम यूज में होता है। जैसे ये धारा का नियम अपन ने यूज में लिया है, उसी प्रकार आगे वोल्ट का नियम भी आएगा, ठीक है। अब ये वोल्ट का नियम जो है ये जटिल परिपथ में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। जटिल में धारा भी उपयोग में, धारा नियम भी उपयोग में आता है और वोल्ट का नियम भी उपयोग में आता है, ठीक है ना। लेकिन पहले धारा नियम उसके बाद में वोल्ट का नियम, क्यों पहले वोल्ट का नियम क्यों नहीं, क्योंकि धारा नियम जो है वो दोनों में लागू होता है, ठीक है। खुला परिपथ और बंद दोनों में लागू होता है धारा नियम, ठीक है ना। लेकिन वोल्ट का नियम केवल बंद में लागू होता है, यहां पे वोल्टेज का कोई मैटर नहीं है, वोल्ट का नियम यहां पे लागू नहीं होता। इसलिए पहले धारा नियम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में वोल्ट का नियम पढ़ना पड़ता है। थैंक यू।